मेरी पैदाइश जो है वो पट्टी की है। पट्टी ज़िला लाहौर था, तहसील कसूर थी, और अमृतसर और कसूर के बिल्कुल रेलवे लाइन पे दरमियान में थी। 25 माइलोमीटर अमृतसर था और 25 माइलोमीटर कसूर था। तो लाहौर वहाँ एक मशहूर शख्सियत थी, वो भी पट्टी के थे, देहाती प्रोग्राम के नज़ामुद्दीन जो थे ना, देहाती प्रोग्राम, वो पट्टी के थे। मुग़लों की पट्टी मशहूर थी, तो बहरहाल अक्सरियत वहाँ मुसलमानों की थी, ज़्यादातर मुसलमान थे। और मेरा उस ज़माने में 20,000 के करीब आबादी थी, कस्बा था बड़ा। मेरी उम्र 10 साल थी और चौथी मैंने पास कर ली थी। अब हाई क्लास में जाना था 5वीं, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त को पट्टी, ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोज़पुर, ये सारा पाकिस्तान था। 17 को इंडिया चला गया। बल्कि हमारी एक हमशीरा थी अमृतसर में, वो तैयारी कर रहे थे कि पट्टी पाकिस्तान में आए तो चलो वालदैन के पास चलते हैं। 17 को हमें भी आर्डर हो गया कि यहाँ से निकलो। तो पर ईद की नमाज़ अपने वहीं पढ़ी थी। जोश था जी, एक होता है जोश, उसके साथ जुनून शामिल था कि लेके रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। वो गली गलियों में जुलूस निकलते थे और कुछ देर रास्ता हम भी साथ चलते थे, छोटी उम्र थी, तो फिर आगे से अगले बच्चे शुरू हो जाते थे साथ देने के लिए। तो बड़ा जुनून था जी, और जब जज्बा और जुनून मिल जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं होती, वो बन के रहती है। हमारे वहाँ ना एक सिविल अस्पताल था, छोटा सा था, वहाँ देहातों से जो ज़ख्मी आते थे ना, इसका मतलब है कि वहाँ को फसादात हो रहे हैं, पट्टी में नहीं हुए। अक्सरियत मुसलमानों की थी, तो लिहाजा वहाँ उन्होंने जरूरत नहीं की। जब पाकिस्तान बन गया जी, उन्होंने कहा जी आप निकलो। बल्कि हमारे वो एक थे, दूर के रिश्तेदार थे, वो आर्मी को सब्ज़ी सप्लाई करते थे, तो वो आर्मी का ट्रक लेके आ गए, तो उसमें लेडीज़ जो थी वो बैठ गई, को बच्चे भी बैठ गए। तो वालदा कहने लगे कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी अपने बच्चों को छोड़ के। रेलवे स्टेशन पे आ गए कि भाई कसूर जाना है। रेलवे स्टेशन पे वहाँ पता चला जी कि कसूर की तरफ जाएं तो वहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर वल्टोहा एक स्टेशन था, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। अब उन्होंने कहा जी कि भाई वो अब ये तो मरम्मत नहीं हो सकता, अब पैदल वहाँ चलो सारे, तो वहाँ जा के सवार हो जाओ ट्रेन में। हैरत की बात ये है कि सिखों ने कत्लोगारत की और सिख मेजर हमें काफले को लेके चला पट्टी से वहाँ ट्रेन तक गया, फिर वो ट्रेन में बैठा के कसूर तक हमें छोड़ के गया, यानी सरहद तक। तो वह चाहता तो सबको मरवा देता था। वो देहातों में से, गांव में से निकल के ना सिख बुलबुलियाँ मारते थे, तो फिर वो इशारा करता था कि फायर करो। वो फायर उस ज़माने बड़ी बात थी, और वो भाग जाते थे। फिर बहरहाल हम कसूर पहुंच गए, लेकिन कसूर में कुछ दिन रहे, फिर लाहौर आ गए। यहाँ वो पीली बिल्डिंग आज भी है, मेरे हाल ज़िम्मेदार होटल अखबार था उसके, अब तो होटल था मेरे हाल कि है कि नहीं, उसके बिल्कुल सामने पीली बिल्डिंग है और आज भी है वो। तो वहाँ वो कुरैशी साहब थे ना, अब्दुल मजीद कुरैशी, दाना आदमी थे वो, मेरे हाल उनको अलाट हुई थी। एक दो दिन वहाँ रहे, फिर उसके बाद उगिराले चले गए। वो कुछ तकसीम हो गए ना, चचाजाद भाई थे, वो एक चबर है टाबा सिंह के पास, वहाँ चले गए। वहाँ वो काजी हैं, काजियों के चौक मशहूर था ना, काजी वहाँ हैं, वो वहाँ चले गए। हम गुजराले चले गए। हमारे लिए वो जो कसूर के थे ना, वो हमारे अजीज़ दूर के, वो उन्होंने एक मकान जो था ना उसमें हमें बिठा दिया। फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान आ गए, बन गया। अब जो कुछ हालात हैं यहाँ, वहाँ तो नहीं होने थे। अगर वो इकट्ठा रहता,
हिंदुस्तान तो वहाँ तो नहीं होना था। जब पाकिस्तान बन गया तो लाहौर में चंद दिन रहे हम। उसके बाद ताजी ने पता नहीं क्या सोचा कि गुजराले चलते हैं। फिर गुजराले चले गए, वहाँ हमें एक मकान अलाट हो गया। अब मकान जो था ना वो कॉर्नर पर था, यानी बाजार था, ये गली थी, कॉर्नर मकान था। और हमारे मकान से मेरा ख्याल है कोई आधा फरलांग भी नहीं होगी, चंद गज के फासले पर ये खुरम दस्तगीर नहीं है, इसके बाद दस्तगीर थे, उनका मकान था। मेरे ख्याल चंद गज के फासले पर थे। तो उन्होंने उस वक्त एक गाड़ी ली, करोला तो नहीं थी, करोना ही थी, 15,500 की नई निकलवाई उन्होंने। उनका सनमा भी था कश्मीर वाले बारह। मैंने 21 साल में वहाँ रेड़ी भी लगाई, छाबड़ी भी लगाई, हौजरी का ज़्यादा सामान था जो बेचते थे हम, रेड़ी पे भी छाबड़ी पे भी। फिर यहाँ आके न्यू शादबाग में रहे। फिर शादबाग में उस ज़माने में वो जो मकान है हमारा, अब 1,000 मरला वो हमने जगह खरीदी, आज वहाँ 25 लाख रुपये मरला है। फिर उसके साथ वाली जगह खरीदी, फिर और इस तरह सिलसिला बनता गया। फिर माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, इन्होंने काम संभाल लिया, बस ये खुद ही पढ़ते रहे जी। वो कहते रहे जी मैंने ये किया, वो नहीं, ये खुद ही शौक था इनको, पढ़ते रहे ये। एक बेटी शहीद हो गई, वो ऐसी मुकद्दर वाली थी कि जब वो पैदा हुई ना फिर हालात बदलने शुरू हुए। बाद बच्चे होते हैं ना जैसे कहते हैं मुकद्दर वाले होते हैं, वो दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि चलो यार कोई रफाई काम करे। फिर हमने एक दुकान किराए पर ली, उसमें डिस्पेंसरी, नज़ला जुकाम खांसी, फिर वो रश हो गया, फिर साथ वाली दुकान ले ली। फिर उसके बाद जनरल अंसारी थे LDA के, उन्होंने हमें एक प्लाट दे दिया, तो वहाँ हमने फिर बिल्डिंग बनाई, वहाँ शुरू किया अस्पताल का सिलसिला। फिर वो ये जो अब जहाँ है ना अस्पताल, बड़ी बिल्डिंग, ये छोटी अमशीरा की थी, 8 दुकानें थी, तो 2 दुकानें उन्होंने दे दी हमें, किराया तो नहीं लिया। उसके बाद फिर वो 22 लाख की बेच गए वो। उसके बाद हमने 3,20,00,000 की खरीदी, और फिर सिर्फ एक बैनर लगाया था कि अस्पताल के लिए जगह चाहिए, और इतनी तारीख तक 3,20,00,000 रुपया चाहिए। फिर अल्लाह जज़ा दे जी लोगों ने, और इतना बंडल है रसीदों का, कोई रसीदें लेने नहीं आया। यही कमाई है जी एतमाद की दौलत, कि लोगों ने एतमाद किया, 3,20,00,000 रुपए दिए और फिर हमने ये जगह खरीदी। फिर आज तक हम ना कभी किसी के पास गए हैं कि हमें कोई चंदा दे। हाँ जी, जिसने देना खुद यहाँ आए, होता ना रसीद बुके लेके मंडियों में फिरते हैं, हमारे मिजाज में नहीं है। लोग देखते हैं जी, काम देखते हैं, और ख़ुद ब खुद आते हैं और फिर वो डोनेशन देते हैं, करते हैं। नौजवान नस्ल को है जी कि ये बड़ी मेहनत से, बड़ी जानों का नुकसान करके, इज्जतों को लुटा के बनाए, इसकी हिफाजत करें, ये इसकी खिदमत यही है कि जो अच्छे काम है वो करें, बुरे काम से बचें। बचपन की जो बातें जहन में मौजूद हैं, ये हिजरत के हवाले से, पाकिस्तान बनने के हवाले से, वो अल्लाह बख्शे हमारी दादी अम्मा बड़ी दबंग खातून थी, बड़ी और असूलों पे चलने वाली खातून थी। वो जो मामला था, हमें बचपन में बताते थे कि अमृतसर में जो अच्छा, वहाँ पे ये कादियों वाला चौक मशहूर था पट्टी में, और वहाँ पे ये लोग सारे ख़ानदान की शक्ल में रहते थे। तो वो मुझे आज भी अल्फाज याद हैं कि जब हम कभी कोई हमारी जनरेशन का कोई बच्चा मायूसी की बात करता है तो वाला साहब बड़ा गुस्से का इजहार करते थे कि भई जब हम पाकिस्तान आए थे तो हमारे ना पाँव में जूती थी, ना बुनियान थी, एक सिल्वर का गिलास था या शायद जग था। यहाँ से हमने आगाज़ किया, आज आप लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, बंगले हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप लोग मतलब कि हमें मायूस होना चाहिए था, हम तो मायूस नहीं हुए। तो वो जो चीज़ है मेरे वाले साहब की, हमें बचपन में हमने खुद देखा कि वाला साहब सारा सारा दिन को ये, उस वक्त जो मैंने अपनी होश में देखा इनकी जो फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं,
तो उसमें ये एक ही वर्कर थे और दो तीन वो हाथ से चलने वाली मशीनें जिनको प्रेस कहा जाता है, तो वो फिर ये खुद ही उस पर काम कर रहे होते थे। और अक्सर हमने देखना कि इनकी आंखें सूजी हुई हैं, रात को भी काम किया। और माशाल्लाह हम आठ बहन भाई थे, हम सब की ज़रूरियात को इन्होंने और ऐसन तरीके से अल्लाह बख्शे। हमारी वालदा ने भी बड़ा खुददारी हमारे अंदर, कोई कभी कोई चीज़ को हमें इस तरह महसूस नहीं कराया कि ये चीज़ आपको इसलिए नहीं मिली कि हमारे ये रिसोर्सेज नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ आपको वैसे ही अच्छी नहीं लग रही या ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप। कभी होता ना जिस तरह अपने हम उम्रों को देखते थे कि उनके पास कोई चीज़ है तो हम फील करते, उन्होंने बड़े ऐसन तरीके से खुददारी के साथ उसको मैनेज करना। और वाले साहब को फिर वो ऐसा ऐसा इन्होंने एक वर्कर दो वर्कर, मगर ये उनकी थी कि शाम के वक्त जब ये वो उस वक्त जब ये डिस्पेंस मुहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट, जो आज मुहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट माशाल्लाह एक बड़ा इदारा बन चुका है जिसमें 800 मरीज़ लगभग रोज़ाना जिनका इलाज होता है और जदीद तरीके से होता है, तो जब ये इसकी बुनियाद रखी कि मैं गालबन चौथी या पाँचवीं क्लास में था, तो वो मेमोरीज़ मेरे जहन में हैं। तो उन दिनों वाले साहब की ये रूटीन होती थी कि सुबह से शाम तक काम करते थे। उन दिनों ये इब्तदाई तौर पर डिस्पेंसरी जो थी ये 2 घंटे के लिए खुलती थी, तो शाम को 4 बजे वाले साहब ने काम वाले कपड़े तब्दील करके नहा धो के नए कपड़े पहन के, तो वो जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की जाके ना वहाँ पे उसकी इंतजामी तौर पे वहाँ पर्चियाँ बनानी और इस तरह के सारे मामला थे। उस वक्त इनके जो दोस्त थे बड़े पुरखलूस लोग थे, आज हम इसको एक तनावर दरख्त बना हुआ देखते हैं तो उसमें हमें समझ आती है कि ये उन्हीं लोगों का उस वक्त का खलूस था कि आज ये एक तनावर दरख्त बन गया माशाल्लाह। जो मेरे बचपन में जो दौर था वो मतलब के वसाइल की कमी थी, मगर उसके बावजूद वाला साहब ने वालदा साहबा ने हमारी बेहतरीन तरबियत के साथ तलीम के ऊपर हमेशा में मतलब के बगप किया है, कभी आगे पढ़ना है आपने, बड़े होना है पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, सब ने आला तालीम हासिल की।